Good morning, students. How are you all? Today we are going to continue with explanation of chapter number 11, transportation in plants and animals, session number 6. In last all sessions, children, we were discussing about transportation, how materials are transported in our body. So that is circulatory system. In circulatory system, we have discussed about blood, blood vessels, heart. Then we have discussed about heartbeats and pulse. Now, children, we are going to discuss a very important part of our human body, that is removal of waste. Yani, jo bhi hum khate hain, ya to phir jo bhi processing hamare body ke andar hota hai, uske andar kuch na kuch waste to hota hi hai. Ab wo waste hamare body se kaise bahar nikalta hai? Agar wo bahar nahi niklega, to kaun si problems create ho sakti hai? जैसे कि हमने ऑरेंज जूस निकाला, तो ऑरेंज जूस निकालने के बाद उसके वेस्ट होते हैं, उसके हम उसे स्ट्रेन करते हैं, राइट, छन्नी से उसे छानते हैं, तो कुछ ना कुछ तो वेस्ट निकलता ही है. तो वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी जो डिफरेंट प्रोसीजर्स कैरी आउट होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस कैरी आउट होते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में वेस्ट आता ही है. तो वो वेस्ट कैसे बाहर आता है वो हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, दैट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट. सो वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिजम्स. अब ये कहां पे प्रोड्यूस होता है? इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. दिस वेस्ट नीड टू बी एक्सपेल्ड. अब उसे एक्सपेल्ड करना बहुत ही जरूरी होता है. Now, what is the meaning of expelled? That is thrown out. जो भी कचरा हमारे घर में होता है, क्या उसे हम घर में रखते हैं? नहीं, उसे हम घर के बाहर फेंकते हैं डस्टबिन में. So, it is very important to expel out from the body. If they were not expelled, they would poison the organism. अब वो waste जो है हमारे body में collected हो जाएगा, तो वो हमारे बॉडी के अंदर पॉइजन क्रिएट कर सकता है. सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन. नाउ एक्सक्रीशन कैन बी इन डिफरेंट वेज, इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग. स्वेटिंग यानी हमें जब पसीना आता है, वो एक तरीके का वेस्ट होता है जो हमारे बॉडी के बाहर आता है. सेकंड इज यूरिनेशन. ओके, हम यूरिन के लिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद जाते हैं, सो दैट इज आल्सो अ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी. सो हियर स्वेटिंग हेल्प्स टू कीप अवर बॉडी कूल. अब स्वेटिंग हमारे बॉडी को कूल कैसे रखता है? स्वेटिंग इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर, राइट. जो वाटर होता है वो फॉर्म में पसीना हमें आता है, तो वो क्या करता है? हमारे बॉडी को कूल डाउन करता है. जब हमें पसीना होता है और हम एयर के सामने या तो फिर हम फैन के नीचे बैठते हैं, तो हमें एक कूल फीलिंग होती है, राइट. सो द इवेपोरेशन ऑफ स्वेट रिक्वायर्स हीट. अब जब वो इवेपोरेशन हमें करना है बॉडी से, उसके लिए हमें हीट जरूरी होती है. अब ये जो हीट होती है वो हमारे बॉडी में हम कुछ स्ट्रेसफुल काम करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, जॉगिंग, रनिंग, देन वी डू सो हैवी वर्क्स, दैट इज यूज, दैट रिलीजेस हीट, एंड दैट हीट रिलीजेस वाटर वेपर एंड इट इवेपोरेट्स फ्रॉम अवर बॉडी. सो अवर स्किन प्रोवाइड्स द हीट, सो वी फील कूल व्हेन वी स्वेट. अवर स्वेट इवेपोरेट्स. जब हमें पसीना होता है और हम एयर के नीचे बैठते हैं या तो फिर फैन के नीचे बैठते हैं, तो क्या होता है? वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, तो वो हमें कूल फीलिंग देते हैं. वी एक्सक्रीट वाटर, सॉल्ट एंड अ सब्सटेंस कॉल्ड यूरिया इन द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग. अब स्वेटिंग में कौन सी चीजें बाहर आती है हमारी बॉडी से? वाटर, सॉल्ट और यूरिया. जब कभी हमें फेस पे पसीना होता है और वो एक ड्रॉप पसीना हमारे माउथ में समझो कि गया भी, तो हमें कैसे फील होता है, कैसे टेस्ट होता है? सॉल्टी टेस्ट. सो स्वेट इज सिक्रीटेड बाय स्वेट ग्लैंड्स. अब स्वेट कहाँ से निकलता है? हमारे बॉडी की जो स्किन होती है,
उसके ऊपर स्वेट ग्लैंड्स होता है, आप देख सकते हो कि उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहां से स्वेटिंग हमें होता है. अ स्वेट ग्लैंड इज कॉल्ड अ कॉइल ट्यूब. अ स्वेट ग्लैंड इज अ कॉइल ट्यूब विच ओपन्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन. अब वो स्वेट ग्लैंड है वो कहाँ ओपन होता है, हमारे स्किन के सरफेस के ऊपर. सो आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टूड अबाउट रिमूवल ऑफ वेस्ट. इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वॉट इज स्वेट, राइट, हाउ स्वेटिंग इज कैरिड आउट एंड how it gets evaporated from our body, and a sweating is a form of waste. In next session children, we are going to discuss about urinary system. Thank you and have a nice day children.